हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनिमल। पिछले 3 दिन से धूम मचा रही है। 350 करोड़ का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है इस फिल्म का। पठान के आगे आ चुकी है। हालांकि जवान को क्रॉस नहीं कर पाई, पर शाहरुख खान को क्रॉस करना इतना आसान है नहीं यार। मतलब इतना आसान होता तो हर कोई क्रॉस कर पाता, बिकॉज शाहरुख खान है। इसके लिए रणबीर कपूर को एक स्टेप पीछे रहना पड़ा, पर वो भी ज्यादा टाइम तक शायद नहीं हो, बिकॉज अब जो क्रेज हो चुका है रणबीर कपूर को लेके, वो मेरे ख्याल से अब बढ़ता ही चला जाएगा। अब वो कम होने वाला है नहीं। इससे फायदा सिर्फ उन लोगों को है जो आगे रणबीर कपूर के साथ फिल्में बनाने वाले हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र हो गई, रामायण हो गई, अब और क्या क्या वो साइन करने वाले मुझे पता नहीं, बट डेफिनेटली अब रणबीर कपूर का भाव बढ़ जाएगा। अब उनका जो एक स्टेटस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ही विल बी इन द लीग ऑफ सुपरस्टार, मेगा स्टार, आप जो चाहे वो बोलो। बट एनीवेज, आज मैं सिर्फ उनकी बात करने नहीं आया हूँ, इनफैक्ट उनकी कम बात करूंगा, एनिमल की भी ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा संदीप रेड्डी वांगा की। क्या है ये बंदा? ये बंदा डरता नहीं है। ये जो बनाता है सोच समझ के बनाता है, या सोच समझ के नहीं बनाता है, वो ये देखता है कि उसको किस चीज से सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्या वो सनकी है, क्या वो मेंटल है, क्या पागल है, पागल खाने से छूट क्या है। मतलब लोगों ने इतनी सारी बातें की है उनके लिए, तो मैंने सोचा आज मैं इस चीज का एक फुल स्टॉप लगा दूं, जहां पर लोग समझ जाए कि ये डायरेक्टर किस लेवल का डायरेक्टर है और क्यों इस डायरेक्टर पे इतने आरोप लग रहे हैं पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो कहते हैं ना, जिस तरीके से उन्होंने फिल्म में बताया वैसे। बट एनीवेज, मैं तो आपको यही कहूंगा कि संदीप रेड्डी वांगा के बारे में मैं जो भी कहने वाला हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरी पर्सनल राय है। एंड आप इस पे अग्री डिसअग्री कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में गालियां भी दे सकते हो। अग्री करोगे तो सपोर्ट भी जरूर करना, सब्सक्राइब करना। तो संदीप रेड्डी वांगा की अगर मैं बात करूं, मैं ये कहूंगा कि वो जिस तरीके के डायरेक्टर है, बहुत ही ईगोइस्टिक डायरेक्टर है। जब उन्होंने कबीर सिंह बनाई थी और बॉलीवुड में जब उस फिल्म को टॉक्सिक कहा था, फुल ऑफ वायलेंस कहा था, तब उन्होंने बोला कि भाई आपने देखा क्या है, अगर आपको ये वायलेंस लगता है, ये टॉक्सिसिटी लगती है, तो मैं आपको दिखाता हूं असली टॉक्सिक क्या होता है। उन्होंने सीधी एक फिल्म ही बना डाली उस पे, और ऐसी फिल्म बनाई जहां पर उन्होंने इनडायरेक्ट हिंट्स दिए लोगों को, ये लो भाई ये है मेरी थॉट प्रोसेस, और चाहे आप मुझे ए सर्टिफिकेट दो, ए प्लस सर्टिफिकेट दो, मैं ऐसी ही फिल्म दिखाऊंगा। एंड हैट्स ऑफ टू भूषण कुमार, जिन्होंने उनको वो बनाने का एक लिबर्टी दिया जो उन्होंने, उनके माइंडसेट था, उनने जो सोचा था। बिकॉज बहुत बार ऐसा हो जाता है, प्रोड्यूसर सोचते हैं कि यार अगर एडल्ट सर्टिफिकेट हो गई तो मेरी फिल्म लिमिटेड हो जाएगी, लोग कम आएंगे, कम कलेक्शन होगा, पर उन्होंने वो बिल्कुल नहीं सोचा। ही वेंट विद द फ्लो, उन्होंने भरोसा दिखाया SRV पे, और आप देख सकते हो क्या हो रहा है। सो हैट्स ऑफ टू हिम। बट संदीप रेड्डी वांगा की मैं आपको एक बात कहूं, वो जो भी उन्होंने कहा, जो उनकी फिल्म होगी वो 110% वैसी निकली। और इनफैक्ट जो एनिमल पार्क आने वाला है, जो सीक्वल आने वाला है, वहां पर तो वो आपको निचोड़ देंगे कि और कहो मुझे, और कहो वायलेंट, और ये देखो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो रुकने वाले हैं नहीं। उन्होंने पहले ही फिल्म में, अपने एनिमल में ही बता दिया कि रणबीर कपूर को बुढ़ा बता दिया, मतलब ये स्टोरी लंबी चलने वाली है और बहुत ज्यादा इसके प्रॉबेबली पार्ट्स आने वाले हैं। एनिमल पार्क के बाद में भी और कुछ आ सकता है, तो ये तो उनका एक फिक्स माइंडसेट हो चुका है। एंड 110% जिस तरीके की एनिमल चली है, एनिमल पार्क को कोई नहीं रोक सकता बनने से, ना लोगों के देखने से, ये बात भी पूरी कंफर्म हो चुकी है। तो संदीप रेड्डी वांगा, ये जो कैरेक्टर है, ये जो डायरेक्टर है, ये जो पर्सनैलिटी है, ये उस तरीके की पर्सनैलिटी है जो बिलीव करता है, जो वो सोचता है उसमें। वो नहीं चाहता लोगों को ये बताना कि भाई लड़की को थप्पड़ मारना गलत है, नहीं मैं ये नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं ऐसा दिखाऊंगा तो ये लोग क्या समझेंगे, मुझे गलत समझेंगे, वैसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि रियलिटी क्या है, रियलिटी किस तरीके की दिखती है। उन्होंने दिल की बात जो है हर एक इंसान की, वो अपने जबान से, अपने आंखों से दिखाने की कोशिश की है, और वही चीज है जो लोगों को पसंद आई है। बहुत लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आई है, ये भी मैं जानता हूँ, बिकॉज लॉजिक जो है वो ढूंढने अगर आप जाओगे तो आपको ये फिल्म कहीं भी नहीं नजर आएगी। यहाँ पर इमोशंस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वो
डैड और सन का जो एक रिलेशन है उसको समझना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वो समझना इम्पोर्टेंट है कि एक बंदा जो मरने की हालत में है, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये इनकी आयु अभी नहीं ज्यादा चलने वाली है, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है, वो बंदा कह रहा है मैं हर रोज पैड चेंज करता हूँ, मतलब क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा वो आप सोचिए। तो ये सब चीजें जब किसी के इंसान के मेंटल स्टेट पे आ जाती है तब वो ये सब नहीं सोचता कि मैं मेरी बीवी से कैसे बात कर रहा हूँ, मेरे बाप से, मेरी फैमिली से, मैं क्या सोचता हूँ, उसको हर चीज में फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है। और उस फ्रस्ट्रेशन को रणबीर कपूर ने इतने अच्छे से दिखाया है, मैं आपको क्या बताऊं। बट ये चीज एक एक ये जो काम है ये एक ही डायरेक्टर कर सकता था, वो है संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने जिन्हों जिनके पास वो गट्स थे बताने के। और मैं तो कहूंगा कि आई होप एनिमल पार्क में वो ऐसी चीजें और दिखाए जहां पर वो उस तरीके की चीजें दिखाए जो लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, लोगों को समझाए कि आखिर क्या होना चाहिए। हाँ, ये बात गलत है जहां पर आप दिखा रहे हो कि किसी लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो बहुत गलत बात है, बिकॉज वो एक चीज है समाज में वो गलत जाती है। पर लेकिन टिट फॉर टैट वाला जो एक सिचुएशन है, वो जो उन्होंने बताया है वो कहीं ना कहीं सही है। बट अगर अगर रणबीर कपूर का कैरेक्टर ये कहता है कि मैं अगर मर जाऊं तो तुम शादी मत करना, भले ही ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, वो मेरे हिसाब से गलत है। तो कहीं ना कहीं संदीप रेड्डी वांगा थोड़े बहुत चीजों पे ज्यादा ही ओवर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए जहां पर उन्हें नहीं जाना चाहिए था, पर मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो है वो उन्होंने सही पकड़ी। और मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ सिनेमैटिक एक्सप्रेशन सही था। वो कहते हैं ना, डायरेक्टर हमेशा अपना जो मन का बात है, मन की बात है, वो बाहर निकालता है। तो ये मन की बात थी जो संदीप रेड्डी वांगा ने निकाली, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे मजा आया। एंड रियली रियली हैट्स ऑफ टू हिज करेज। लाइक मैं क्या बोल, मतलब जो भी सीन आप देखो, वो जो सीन है जहां पर वो बहन के लिए गन ले जाता है और गन चला देता है कॉलेज में जाके, इस तरीके से वो एक्सप्रेस किया है, कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्रिएटिविटी लगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जहां पर उन्होंने वो चीजें बताई है एंड हमें मजा आया देखने में। तो यही मैं कहना चाहता हूँ संदीप रेड्डी वांगा के बारे में, कि ये जो डायरेक्टर है ये अलग लेवल के डायरेक्टर है, अलग टाइप के डायरेक्टर है। ये रूल बुक के अंदर नहीं चलते हैं, वो रूल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और तोड़ के भी कहीं ना कहीं वो गलत ठहर जाते हैं, पर लेकिन सही जो वो कहते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एनिमल पार्क आएगी तब तो वो धूम मचा देगी, दो दो रणबीर कपूर को देखने मिलेगा, और पता नहीं क्या इसका लेवल, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्शन क्या लेवल होगा, मुझे पता नहीं। सो दिस इज व्हाट आई फील अबाउट संदीप रेड्डी वांगा। आई विश ही मेक्स द सेकेंड पार्ट इवन मोर क्रूएल देन द फर्स्ट, और किस तरीके से वो उस एक्शन को, उस ड्रामा को दिखाते हैं तो देखने में मजा आएगा। आई जस्ट वॉन्ट टू सी दैट इवन मोर नाउ। अब स्पिरिट आ रही है उनकी, एनिमल पार्क से पहले स्पिरिट आएगी, तो उसमें भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो किस तरीके की फिल्म बनाते हैं, बिकॉज दैट फिल्म विल प्रोबेबली डिसाइड द वे एनिमल पार्क विल बी। बिकॉज अगर स्पिरिट नहीं चल पाई तो कहीं ना कहीं एनिमल का जो क्रेज है थोड़ा सा कम हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। बट एनीवेज, बाद में जब फिल्म का अनाउंसमेंट होगा सब होगा तब वापस बढ़ेगा, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट विल बी अ डिसाइडिंग पॉइंट, मतलब दैट कैन मेक और ब्रेक संदीप रेड्डी वांगाज प्रोबेबली हिज मेंटल स्टेट। तो लेट्स सी क्या होता है, उनको कितनी लिबर्टी मिलती है स्पिरिट में, बिकॉज सेम प्रोड्यूसर है तो आई थिंक लिबर्टी तो उतनी मिलेगी, पर प्रभास से कितना फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है वो भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो यस, आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट। एंड आप मुझे बताइए संदीप रेड्डी वांगा के बारे में, दो शब्द हो जाए कमेंट बॉक्स में तो मजा आ जाएगा। टिल देन, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।